सही उनका एक्चुअल का काम है जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. और मेरा डेब्यू है, मैं तो सीरियसली बहुत लकी महसूस कर रही हूँ. मेरे को ऐसे टेक्नीशियंस और को एक्टर्स मिले कि मूवी वॉज पैकेज टू बी अ हिट मूवी, तो मैं बहुत लकी महसूस कर रही हूँ इस टाइम पे. और कुछ नहीं तो भाई आप ये बताइए, अगर एक पिक्चर 1500 स्क्रीन में रिलीज हो और एक पिक्चर कुछ 50-60 स्क्रीन में रिलीज हो, तो 1500 वाली को कुछ फर्क रियली पड़ेगा? हमारे को नहीं पड़ेगा फर्क उसके. बट हाँ, सिंस ये एक तरह का ना इंटरेस्टिंग मेमोरेबल इंसिडेंट जरूर बन जाएगा हिस्ट्री में इंडस्ट्री के, कि दोनों पिक्चर पुरानी और नई एक साथ एक दिन पे रिलीज हुई है. एंड पीपल ऑफ माई एज, अब मैंने नहीं देखी थी चश्मे बद्दूरिया जब मैंने पिक्चर साइन करी थी, तो उसके बाद जाके देखी. तो कितने सारे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, हमारी पिक्चर देखेंगे उसके बाद पता चलेगा उनको कि वो भी रिलीज हो रही, तो वो भी देख लेंगे. वो इसमें कुछ खराब बात नहीं है, ये हमारे बॉलीवुड के लिए बिजनेस के लिए अच्छी बात है अगर दोनों फिल्म चल रही हैं तो. और आई थिंक पहले लोग ये वाली चश्मे बद्दूर ही देखेंगे. यू कांट कम्पीट विद डेविड धवन, कैन यू? वर्क कल्चर में जो एक ही पिक्चर में काम करी, उधर भी मैं पिक्चर 50-60 दिन में खत्म करती हूँ, इधर भी हमने 55 डेज में पिक्चर खत्म कर ली थी. उधर मेरे पास प्रोफेशनल स्टार्स होते हैं, ठीक है, सब टाइम पे आते हैं, और इधर भी हम लोग सुबह 7-8 बजे तक हम आ जाते थे सेट के ऊपर. तो मुझे लैंग्वेज के अलावा और कुछ अभी तक फर्क नजर नहीं आया है, बाकी देखते हैं. आई होप आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो हियर. क्योंकि वो लोग बिजी हैं यार, हम लोग और हम सबसे यंग हैं दोनों फिल्म में, तो थोड़े वो लोग शायद थक गए. तो सबसे जो घर में भी होता है ना, छोटे बच्चों को बोला जाता है जाओ बेटे जाके ये ले आओ, जाओ वो कर दो वो कर दो, तो हम वो दोनों छोटे बच्चे हैं. सर पुरानी चश्मे बद्दूर के बाद कुछ प्रेशर है आप लोग के ऊपर उसको प्रूव करने के लिए? यार सबसे बेस्ट बात यही है कि हमारी फिल्म और पुरानी चश्मे बद्दूर में आपको कोई रिजेम्बलेंस नहीं दिखेगा. इट्स सच अ डिफरेंट फिल्म. और जैसे कि डेविड सर ने भी ये बात बोली है कि अगर हम इस फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर नहीं भी रखते और अगर टाइटल होता हर एक फ्रेंड कमीना होता है, तभी भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला था. यू नो दे आर टू कंप्लीटली थ्री फ्रेंड्स की स्टोरी. तो यार प्यार का पंचनामा भी थी, थ्री इडियट्स भी थी, कल्पो 6 भी आई थी, तो वो तो कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो उसकी जगह कोई भी नाम रखते तो वही होता, फर्क नहीं पड़ता. नहीं सेम चड्डी में नहीं कर रहा है, इतना तो बजट था हमारी फिल्म का कि हमको नई चड्डी मिल जाती थी. यार ये बस कुछ सिंबॉलिक बातें हैं जो फिल्में हमने करी हैं, जो कि मस्ती के लिए करी हैं, मजाक के लिए करी हैं. अब देखिएगा और समझ में आएगा. या फिल्म अब आपको देख लेनी चाहिए क्योंकि अब हमको ये ज्यादा आंसर्स देने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि फिल्म आज रिलीज हो चुकी है. हमने अपनी मेहनत कर दी, अब आपकी बात है मेहनत कर रही. I think Rishi Kapoor sir is such a fantabulous actor. It's he works hard on his character even now. Yeah, I think and the first time we met him, like it took us good 15 to 20 minutes to just sink in the fact that yes, we are actually standing in front of Rishi Kapoor and actually enacting a scene with him. And he's such a humble and cooperative co-star that he helps you so much without giving any kind of attitude or any weightage charming, or anything. Yeah, he's charming. He just supports you so much. He explains you that okay, ye scene aise kar rahe hain, main ye kar raha hun, what are you planning? Let's do something. So it's just so nice to see these people. They've been working for 25-30 years in the industry and still they are so passionate about their work. It's bahut achhi baat. यार ये क्वेश्चन ना मैं परेशान हो चुकी हूँ. आप भी पूछ चुके हो ना 3-4 बार. ये कोई तीनों में से कमीना नहीं है, जिसने ये इन्वेंट किया ना कमीना पर, प्रॉब्ली वो इलाइन इसने इन्वेंट करी है, उसके ऊपर छोड़ दूंगी मैं फिलहाल ये. Yeah, he always all of us are kameena in our own way. हम अगर कमीना बनना कहते हैं दोस्ती के अंदर, एक वो नमक की तरह होता है. अगर तुम कह रहे हो तुम कमीना नहीं हो, तो एक्चुअली में तुम अपने दोस्तों के लिए सबसे बड़े कमीने हो अगर तुम ऐसा कह रहे हो. और मुझे नहीं लगता जितने लोग यहाँ खड़े हो कोई भी कह सकता है किसी ने कमीना बन नहीं किया. कमीना कभी दोस्ती में हमारी बड़ी रियलिटी बेस्ड मूवी है, बड़ी रियल मूवी है. So do you think kameena is a compliment? Nowadays it is. Kameena is a compliment. Kameena is a very sweet word. I think kameena is like you have salt enough
इन योर फूड. अगर नमक नहीं होगा तो खाना बहुत फीका लगेगा. अगर सिर्फ दोस्त अच्छे ऐसे होंगे कि अरे यार कैसा है, हाँ यार चाय पीते हैं, हाँ यार चाय पी रहे हैं, तू कैसा है, घर अच्छी, यार ऐसे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. वो मज़ा तभी तक आता है, अच्छा कल कितने बजे घर पहुँचा, इतने बजे पहुँचा, अच्छा मैंने उससे पहले ही फ़ोन कर दिया था तेरे घर. जब तक वो छोटी छोटी हरकतें नहीं होती तो मज़ा नहीं आता. आज फारूक शेख की मूवी आया था क्या? अरे बाबा पीछे होके पूछे ना, फारूक शेख की मूवी घर से आना है क्या? देखना चाहेंगे आप? हमने देखी हुई है, देखी हुई है. बिल्कुल देखना चाहेंगे, बिल्कुल देखना चाहेंगे. लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मैं 2-3 हफ्ते तक नहीं देख पाऊंगा. मैं अभी ये चाहूंगा मैं अपनी फिल्म बार बार जाके देखूं, आप सब लोग मेरी फिल्म पहले जाके देखें. चश्मे बहादुर पहले आ चुकी है, री रिलीज हो रही है, उसको देखिए, लेकिन थोड़ा बाद में देखिए, पहले इस वाली को देखिए. वो उसने अपने टाइम पे अपने पैसे कलेक्ट कर लिए, यार हमारी बारी है. बिल्कुल बिल्कुल. यार आई टेल यू टू बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट द सक्सेस एंड एवरीथिंग. अभी तक हमको सिर्फ इसी बात में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि रिव्यूज अच्छे हैं, ओपनिंग अच्छी लगी है फिल्म को, लोगों का इतना पॉजिटिव रिएक्शन है, यहाँ पे आप जो सब लोग आए हुए हैं इतना पॉजिटिव वाइब है, तो अभी के लिए ठीक है. सो फार सो गुड, सक्सेस का देखेंगे. जब सक्सेस हो जाएगी आप सब लोगों को बुलाएंगे, सब साथ मिलकर सक्सेस करेंगे. थैंक यू. थैंक यू. प्लेजर प्लेजर. थैंक यू.